नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज बूस्टर में। और आज की अपनी इस वीडियो में हम जानेंगे रुपए के इतिहास के बारे में, कैसा था रुपए का इतिहास। तो आइए जानते हैं प्राचीन भारतीय मुद्रा के बारे में। तो इसमें देखिए क्या होता था, फूटी कौड़ी से होती थी एक कौड़ी, कौड़ी से बनी फिर दमड़ी, दमड़ी से बना फिर धेला, धेले से बनी पाई, पाई से बना पैसा, और पैसे से बना आना, और फिर आने से बना रुपया, जिसमें 256 दमड़ी में होती थी 192 पाई, 192 पाई में होती थी 128 धेला, और 64 पैसे पुराने वाले बनते थे 16 आना, जिसका मतलब होता था एक रुपया। ऐसी 3 फूटी कौड़ी होती थी एक कौड़ी के बराबर, 10 कौड़ी बराबर एक दमड़ी, 2 दमड़ी बराबर एक धेला, 1.5 पाई बराबर एक धेला, और 3 पाई बराबर एक पैसा पुराने वाला, 4 पैसा बराबर एक आना, और 16 आने बराबर एक रुपया। तो प्राचीन मुद्रा की इन इकाइयों ने हमारी बोलचाल की भाषा में कई कहावत दी हैं, जो आज भी बड़े आराम से वो बोली जाती हैं और बहुत प्रचलित हैं। जैसे एक फूटी कौड़ी भी मैं नहीं दूंगा। और इसके अलावा दूसरी है, वो है एक धेले का काम भी तुझे नहीं आता। और फिर है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी कहावतें बोली जाती हैं आज भी। और भी बोली जाती है, जैसे पाई पाई का हिसाब रखना, और 16 आने सच बात इत्यादि, ऐसी ऐसी कहावतें बोली जाती हैं। तो दोस्तों, ये था रुपए का इतिहास। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।